हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राशि रीडर्स ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज सुबह 6 बजे उठ के मैं लग गई हूँ अपने रूटीन में। सुबह उठी और जल्दी नहाई, क्योंकि अब मैं अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ। डेली सुबह जल्दी उठने की आदत डाल रही हूँ, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं फिर से, तो जल्दी उठना पड़ेगा। और वैसे भी इतनी गर्मी में ज़्यादा देर तक सोया ही नहीं जाता। सो नहा के अभी मैं किचन में आई। जस्ट यहाँ पर मैंने आलू बॉयल होने रख दिए। आज सोचा नाश्ते में आलू बना लेते हैं और चाय रख दी थी। तो गाइज, आज का रूटीन थोड़ा सा मेरा अलग है। मैं आपको इस साथ दिखाती हूँ, डीबा के साथ मैं अपना घर, घर का काम, अपना यूट्यूब वगैरह, इंस्टा और अपना बाकी डे और बाकी चीज़ें, लाइफ कैसे मैनेज कर रही हूँ आजकल, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी है। तो चलिए दिन की शुरुआत करती हूँ आपके साथ और एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, कैसे कैसे मेरी चीज़ें मैनेज होती हैं, कैसे कैसे मैं काम करती हूँ, और कुछ बिहाइंड द सीन, रियल सीन की क्या लाइफ में रहता है, कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए सुबह देवता की पूजा करने, और बहुत अच्छा मौसम था आज, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी। सो फटाफट से हमने पूजा करी और दोनों आ गए नीचे। काना उठ गया था थोड़ा सा, इसको भी जल्दी उठाना स्टार्ट करा है, क्योंकि अभी स्कूल खुल गए हैं ना इन बच्चों के, मतलब ओपन होने ही वाले हैं जस्ट उनके वापस से समर वेकेशन के बाद। सो फिर ये उठने में थोड़ा ड्रामे करेंगे, तो हमने इसको 1 वीक पहले ही आदत डालनी स्टार्ट कर दी है कि ताकि ये स्कूल के टाइम पर ईजिली उठ पाए। और यहाँ पर मम्मी पापा की मॉर्निंग टी जो बैठी जाती है वो मैं दे रही हूँ, वो जाएगी सुबह। और हमारे आलू हो चुके थे बॉयल, तो सबसे पहले मैं उठ के अपना पानी पी चुकी थी नहाने के बाद, और अब चाय पीऊँगी। सो जैसे कि आप मेरे पहले व्लॉग्स में भी देखते हैं, मेरी कोशिश रहती है जब तक डीबा सो रही है मैं अपना नाश्ता वगैरह निपटा लूँ, ताकि फिर उसके बाद वो उसको मुझे टाइम देना रहता है, नहलाना धुलाना, मालिश, ये सब काम जो उसके होते हैं, सो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो उससे उठने से पहले पहले मैं ये कर लेती हूँ। कई बार मैं नहा लेती हूँ और मोस्टली टाइम मैं उस टाइम तक नहीं नहाती हूँ, क्योंकि कोई आता नहीं है। कई बार ये लोग बाहर के जिम चले जाते हैं, सो मैं अकेली होती हूँ। तो इसके लिए आज मैं बना रही हूँ आलू की सैंडविच। सो मैंने यहाँ पे ना आलू को थोड़ा ना साउथ इंडियन स्टाइल में करा है मैंने, क्योंकि इसमें सरसों के दाने होते हैं, उसमें करी लीव्स में इसको तड़का मारा था। प्याज डाली है इसमें खूब अच्छे से, हरी मिर्च डाली है, और थोड़े से टमाटर रख लूँगी, क्योंकि सैंडविच बनाऊँगी ना इसके टोस्ट, तो उसमें टमाटर को अलग से चाहिए होते हैं, थोड़े क्रिस्पी क्रंची, मतलब सब तरह का फ्लेवर चाहिए होता है। सो मैंने यहाँ पर थोड़े से चॉप करके रख लिया है। और डीबा उठ चुकी थी एक बार, उसको सुबह मैंने सैलेड दिया। अब डीवा यहाँ पे खेल कूद कर रही है, और उसको पता है मम्मा किचन में है, सो इस तरह उसको बीच बीच में आना होता है मेरे पास। तो वो चाहती है कि मैं उसको गोदी में लूँ, उसके साथ खेलती रहूँ, बट वो इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करती हूँ, उसको मैं थोड़ा बहुत वॉकर में डालती हूँ, कोई भी उसको संभालता है घर में, जैसे दीदी, मम्मी या उसकी बुआ आ जाती हैं या उसको भेज देते हैं। तो अभी तो वो गई नहीं है, अभी मैं सबका नाश्ता ही बनाई थी। उसने देर में उसके पापा ने उसको पकड़ा हुआ था, मम्मी पापा सबके पास वो खेल रही थी, कभी कभी बीच में मेरे पास आ रही थी। और इसी तरह करते करते मेरे टोस्ट हो चुके हैं तैयार। सो आपको मैंने बताई दिया, थोड़े साउथ इंडियन स्टाइल में डाले थे और बटर में बनाए हैं आज मैंने, क्योंकि इस तरह का मन था आज सबका खाने का। नॉर्मली इनको मैं उस पर बनाती हूँ, जैसे नॉन स्टिक वाला जो ग्रिल पैन है, तो उसमें हमें इतने ज़्यादा ऑयल बटर की ज़रूरत नहीं होती है, बट इस पर भी एक अलग टेस्ट आता है थोड़ा सा, तो बटर एक्स्ट्रा लगता है, बट अच्छा टेस्ट आता है इससे भी। सो सब नाश्ता करने बैठ गए थे और मैं फटाफट सबको सर्व कर रही हूँ। सो डीबा को तैयार करने से पहले कानन नहा चुका है, उसको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, सो वो अपनी पढ़ाई में लग गया है। तो इस टाइम तक उसकी पढ़ाई थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, बीच बीच में, और अपने काम में लग जाती हूँ मैं साथ में ही। सो गाइज, एक काम होता है कि जैसे हमने नॉर्मल अपना काम स्टार्ट करा और स्पीड से करे चले गए, वो तो होती है नॉर्मल हाउसवाइफ, बट हमारे साथ क्या है, जो काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपना कैमरा भी पकड़े रखना, हर एक चीज़ रिकॉर्ड करना या आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना, मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। जैसे कि अभी बच्चों की छुट्टी भी पड़ रही है, 3-3 बच्चे हैं घर में। अब आपने देखा मिकी भी उठ के आ चुका था ऊपर से, तो वो भी अपना नाश्ता वगैरह करेगा, फिर उसका मन करेगा तो वो यहाँ पे नहा लेगा, उसका मन करता है तो वो ऊपर नहा लेता है, जहाँ इनका मन करता है, ऐसा नहीं है। कान्हा का भी सेम है, कई बार वो ऊपर भी नहा लेता है। ठीक है, डीवा का रूटीन है कि वो मालिश करके नहाती है, उसको मैं ही नहलाती हूँ, तो वो तो यहीं नहाती है मोस्टली। और कभी ऐसे होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ काम है, सो दीदी नीचे आके नहला देती है, या कभी कभी वो ऊपर भी जाके नहा लेती है। जब हम खुश हो रहे दोनों किचन का सामान बढ़िया लेके देंगे।
सो अब डिवस बुआ के घर छोड़ के और मैं आ गई हूँ मार्केट। तो ये होता है जॉइंट फैमिली के फ़ायदे। वहाँ पे देखिए एक मेरे साथ बुआ आई है, किसी ने डिवा को संभाला है, कोई घर पे भी पीछे से देखेगा, बच्चे भी हैं दो दो, तो यहाँ ये चीज़ें हमारी हेल्प हो जाती हैं बहुत ज़्यादा कि अपना काम भी देखते हैं तो फैमिली का सपोर्ट यही होता है। तो आज मैं लेने आई हूँ किचन के काफ़ी सारा सामान जो मुझे चेंज करने का था, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया। तो मैं यहाँ पे लेने आई हूँ लोकल मार्केट लाजपत नगर से ही मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे बाउल्स देखे, क्रॉकरी देखी, ग्लास जार सब कुछ सामान देखा और जितना मुझे समझ आया और जितना मेरे बजट में था वो चीज़ें मैंने ले ली यहाँ पे। और आगे आपको व्लॉग में दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ मार्केट से आज, क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारी शॉपिंग करी थी। तो मैंने कोशिश करी सारी चीज़ें मैं ग्लास में लूँ, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करूँ, इवन जो मेरे किचन में है उन्हें भी मैं निकाल ही दूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ अब क्रॉकरी आइटम देख रही हूँ, जैसे कि मग अपने चाय के और कुछ जग, कुछ ग्लासेस पानी के ग्लास, तो ये सब सामान भी मैं यहाँ पे लोकल शॉप से देख रही थी एक। तो यहाँ पे भी ठीक थे, मतलब प्राइस तो सेम ही था बट यहाँ पे थोड़ी वैरायटी अलग थी वहाँ जो मुझे नहीं मिला था, सो वो यहाँ पे मैंने देख लिया इनसे। सो जब मैंने लास्ट टाइम आई थी ना, अभी जब हम रिंग लेके गए थे तभी मैंने ये शेड्स देखे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, काफ़ी स्टाइलिश से लग रहे थे, बट ना इनका साइज़ बड़ा था इसलिए मैंने लिए नहीं। बट इस बार देखे फिर मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, सो मैंने इस बार ले ही लिए कि अच्छे लगेंगे, उसको भी काफ़ी पसंद है शेड्स, तो बड़ी होगी तो काम आते ही रहेंगे, अभी ले लेती हूँ। अभी मैंने बताया मैं आपके पास अब आओगी ब्लॉग में। सो यहाँ कुछ सब्सक्राइबर मिले, उन्होंने वीडियो कॉल पे बात करी, बहुत अच्छा लगा जब आप लोग मिलते हैं और आपसे बातचीत होती है। अब यहाँ पे मैं आ गई थी शॉप पे, मुझे एक सिंगल बेडशीट लेने, मिकी का एक्चुअली बर्थडे आ रहा है सो उसी की मेन तैयारियाँ चल रही हैं। जब भी हमारे बच्चों का बर्थडे होता है ना तो घर के लिए कुछ कुछ डेकोरेशन का कुछ कुछ सामान लेना और एक्स्ट्रा मतलब साफ सफाई बढ़ जाती है हमारी, वैसे भी चलती रहती है बट उस टाइम पर हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि हवन पूजा पाठ होता है, घर में गेस्ट आते हैं उस टाइम पर, तो नई नई चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं। आपने देखा हुआ होगा पिछले मेरे 2-3 साल के व्लॉग्स में बर्थडे के आसपास पर हमारी शॉपिंग बढ़ती है थोड़ी सी। सो यहाँ बेडशीट की शॉपिंग वगैरह हो चुकी थी, अब मैं मार्केट में आगे जा रही थी। मुझे दिखे काफ़ी सारे क्यूट क्यूट पर्स डिवा के लिए ही, इतने छोटे थे छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग, तो मेरा मन तो था ले लूँ बट नहीं, वो इतनी छोटी है इतने सारे पर्स का वो करेगी क्या, उसके इतना खुद तो वो लेगी नहीं, मुझे ही उसके कैरी करने पड़ेंगे। तो वहाँ उसको गोदी में उठाओ फिर उसके पर्स लो, सुंदर बहुत थे ड्रेस के अकॉर्डिंग, जैसे चलने लगेगी ना तब तो उसके काफ़ी काम में आएंगे। बट उसकी शॉपिंग हो चुकी थी, उसके लिए मैंने शेड्स ले लिए थे। अब मैं ढूंढ रही थी कान्हा और मिकी दोनों के लिए कुछ ऐसा सामान लूँ, कोई टॉय वगैरह मिल जाए, ऐसी चीज हो, कोई बैग या कुछ भी चीज जो उनको काम में आए। तो चलते चलते मैं वही देख रही थी बट यहाँ सारी चीजें ना लड़कियों के अकॉर्डिंग मिल रही थी, पर्स, क्लचेस, हेयर बैंड, शूज, चप्पल, जूतियां, बैली, मतलब सब चीजें लड़कियों की दिख रही थी। ऐसा कुछ था नहीं कि चलते चलते मैं ले लूं, क्योंकि घर से कॉल पे कॉल आ रही थी, डिवा रो रही है, वो उठ चुकी थी, तो वही मैं देख रही थी कुछ मिल जाए तो मैं उनके लिए भी कुछ ले लूं। तो कुछ मिला नहीं, हम थक हार के अपना इतना भारी सामान उठाया और फिर हमने एक मैंगो शेक लिया और चल दिए घर पे। घर जाके दिखाऊंगी हमने क्या कर ले लिया। खरीदे खरीदे चलेगा बस। ये बड़े लाए गिर गई, अभी ले ही लो ये केतली कांच की। अच्छा जैसे ये लाए ना कटोरा सो बन जा, वहां में छान कर रख दो फिर गरम करने के लिए, वहाँ या तो आप गैस पर चला दो या माइक्रोवेव में। अच्छा इसकी बात मैंने चश्मे लगा लिए, मुझे लेकर चलो ले जा ले जा घूमेंगे वाला। मैंने भी तो लगा रखे थे जीनू, ये उन दोनों लड़कों को लेगी थी रात तेरे को छोड़ के। हाँ ये और बड़े पापा तेरे साथ साजिश खेल रहे हैं। तुम साजिश तुम खत्म करो, दूध पीना छोड़ो मम्मा का। हाँ उन दोनों मुस्टंडों को ले जाते तेरे साथ साजिश हो रही है। सब कुछ खाते हैं
छोड़ गए तेरे को, सोती हो कह रहे सोगी, चल हम जा रहे हैं, ऐसे कह के चुप दे जी निकल गई ये। हाँ तक दूध ना छोड़े जब तक जब उनका पत्ता काट भी नहीं जाएगा, ये कह रहे अब ये खड़े हो गए यही लेता वे खुद भी ना जाएंगे अब भी आधी बार ना, हम कहीं रहे की मत जाओ मत जाओ, तू संडे को भी जबरदस्ती ले जाने की एनयू करेगा तुम चले जाओ। So there is some technical glitch done by the Awana. The great, strong and मोटा तगड़ा Awana. ये क्या कर दिया आपने? जीनुक दादी क्या हुआ? काम बढ़ो बहन तो जीनुक दादी को। तो ये काम जो है पूजा कर देगी, देखिए इसने अपने हाथों से बनाया ये लड्डू मिल चुके हैं। मैं अपने हाथों से लाई नहीं सखारी। और ये स्कॉटलैंड को खा गई छोरी, छोरी हमारी स्कॉटलैंड को खा गई। अच्छा लग रहा है? वाह आज तो दादी पोते को कवर पसंद आ गया। दादी पोते में कवर पसंद आ गया भाई। दीवा चले घूमने? चलो जाओ घूमने। कल हम आए मार्केट से, फिर से जा रहे हैं मार्केट में, और दीवा अभी जा रहे हैं लक्ष्मी नगर, मेरे लाजपत से आए थे तो अब भी दिखाती हूँ। हम कर रहे हैं इसके पापा के कपड़े ऑफिस के शोरूम वगैरह। So, ये दीवा ने नया सीखा है, किसी को भी देखे कहेगी इसने मुझे मारा, और ऐसे दिखाएगी इस तरह से मारा, बट उसको गोदी में जाना होता है ना अपना ध्यान अट्रैक्ट कराने के लिए, ऐसे बोलना सीख गई है पता नहीं कैसे। फिर हम मार्केट पहुंच गए गाइस, लक्ष्मी नगर मार्केट, और यहाँ पे ना रथ यात्रा निकल रही थी और एक क्यूट सा बेबी दिखा तो आगे गए, दीवा उसको देख के खुश होती, वो दीवा को हमारी शॉपिंग तो आप कई बार देख चुके हैं। आज कान्हा के पापा के लिए कपड़े लेने आए थे, फॉर्मल मतलब शोरूम के अकॉर्डिंग पैंट शर्ट के फैब्रिक लेंगे, फिर उनको स्टिच करा के जिसे वियर करते हैं ना वही फॉर्मल वाले लेने आए हुए थे, हम दोनों ही आ गए थे और दीवा को साथ ले आई थी क्योंकि सुबह छोड़ गई थी, अभी रुकने के बिल्कुल मूड। रात करनी कह रही पानी दे दो। मैंने कर ली खूब सारी शॉपिंग, मैंने दीवा कपड़े ले लिए पापा के लिए मम्मा के लिए, और खा रही है गोलगप्पे मजे से एंजॉय करते हैं गप्पू गप्पू गप। हेलो गुरु बनी, हाय हाय, क्या नाम बेटा आपका? रियांश। एक पिक ले लो आप भी, खड़े हो जाओ। सो बर्थडे के लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट करने आई थी मैं, श्रीजी कलेक्शन लता वालों की ही शॉप है ये दूसरी, तो मैंने सोचा यहाँ पे ट्राई कर लेती हूँ कुछ अच्छा सा मिल जाए, क्योंकि हम बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे सेलिब्रेट होगा, बट ड्रेस तो मुझे पहले ही चाहिए थी, सोचा इस बार मार्केट से देखते हैं। सो काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा, ड्रेसेस काफ़ी प्यारी थी जैसी मुझे चाहिए थी, रेडी टू वियर साड़ी थी ड्रेस थी, बट क्या हुआ दीवा रोने लगी, सो उसने कुछ देखने ही नहीं दिया, गर्मी हो रही थी ना काफ़ी परेशान हो रही थी, तो मैंने चलते चलते थोड़ी बहुत देखी और मुझे लेके नहीं आनी पड़ी, मैं जल्दी ही जाके लेके आऊँगी फिर से, वो आपको किसी व्लॉग में दिखाऊंगी, बट अभी तो मैं नहीं लेके आ पाई, बट हाँ कलेक्शन बहुत अच्छा था, आप लोग भी चाहें तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं लता साड़ी सेंटर, जहाँ पे अनस्टिच सूट मिलते हैं, और इन्हीं की नई शॉप है श्रीजी कलेक्शन, यहाँ पे हम लेते रहते हैं ड्रेस मतलब रेडी टू वियर ड्रेस साड़ी सूट इस टाइप की सब चीज़ें हैं, तो ज़रूर ट्राई करें, लक्ष्मी नगर मेन मार्केट में ही है विजय चौक के पास। तो यहाँ चल रही है दीवा की मस्ती, दीवा सोने के बिल्कुल मूड में नहीं है, लड़की नहीं सोना दीवा को नहीं सोना नो क्यों हाँ
रखने की, एक तो फ्रिज में रखने की माइक्रोवेव जो सबसे बढ़िया चीज है। अरे ये गैस पे भी गर्म हो जाएगी, गैस पे भी सो गाइज ये सारा सामान आ गया है, आपने देख लिया, मैंने अनबॉक्सिंग कर दी और अब जब इसको लगाऊंगी तो उसके साथ मैं आपके साथ अच्छे से दिखा दूंगी क्या क्या चीजें थी। अब तो काफी रात हो चुकी थी। सो गाइज इस टाइम तक तो बच्चे सोते नहीं हैं, अभी मैं सारा सामान उठा के रखूंगी, देन मैं दीवा को सुलाऊंगी। इतनी देर में काना फिर से थोड़ा बहुत पढ़ाई करेगा, अपना रीडिंग पे ध्यान देगा या कुछ करेगा, और मम्मी वगैरह अब सब चले गए हैं। तो देखिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जो हम अपना काम करते हैं उसके पीछे फैमिली है। मैं जब दीवा को छोड़ के गई थी तो दीदी ने संभाला था, जब दीदी मार्केट जाती तो मैं दीवा को संभालती हूँ और दोनों बच्चों को, है ना। और मम्मी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती हैं हमारी चीज़ों में, तो इस तरह से हमारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं और हम कर पाते हैं जो मैंने आज आपको दिखाया। तो इसी तरह था मेरा आज के पूरे दिन का ब्लॉग। मैं मार्केट गई, कभी मैं इनको लेके जाती हूँ, कभी छोड़ के जाती हूँ। कान्हा को खैर बाहर इतना मार्केट वगैरह का शौक नहीं है, सो उसको मैं छोड़ के ही जाती हूँ मोस्टली, क्योंकि भीड़ भाड़ में उसे इतना जाना ज़्यादा खुद से पसंद नहीं है। दीवा ज़्यादा देर रुकती नहीं है, सो उसको मैं लेके गई। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, अब नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी किचन से पूरा सही करते हुए। तो चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय, और मिकी हमारा ज़्यादा नोटी है सो उसको हम दोनों ही ले जाना अवॉइड करते हैं। तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए।